हेलो, गुड मॉर्निंग दोपहरी दौला और सबको जय 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 शिव। जीसु। आज संडे और हम हाँ, लोग अभी फिर आज संडे का रूटीन शुरू हो गया। तो चलिए, हम लोग चर्च जाने के लिए, जिस तरीके से कि मैं बोलती हूँ, सुबह जो है प्रभु के नाम पे सुबह होती है ना। प्रतिदिन तो घर में होती है, लेकिन आज रविवार है, संडे है, तो आज हम लोग गिरजा जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए, और आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा ब्लॉग तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे अगर नए फ्रेंड्स आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर, से कर दे। क्योंकि चर्च जाने में देरी हो रही है, इसलिए हम लोग साहब नाइट शिफ्ट से आए, उसके बाद फटाफट रेडी हुए हैं। तो हम लोग अब देर ना करते हुए चलिए चर्च में आप लोगों के साथ मिलते मिलते हैं। हैं। ठीक, तो गिरजा वगैरह खत्म हो गई है और महिला अधिवेशन जाने की तैयारी में सारे लोग उसकी तैयारी के लिए सब जमा हुए हैं। और चाय और बिस्किट भी मिला क्या? बिस्किट घर से लाए। देखिए, चाय किसके सौजन्य से मिल रहा है सब? कहाँ, किधर किधर किधर? अच्छा, किधर है? ओ, देखिए उधर केटल दिख रहा है भाई। हाँ, चलिए अब क्या क्या सीखते हैं हम लोग वो दिखलाते हैं आप लोगों को। चर्च खत्म हो गई है ना, और हम लोग जमा है इस तरीके से। चर्च खत्म हो गई और जिस तरीके से कि अभी मैं दिखलाई, हम लोग नाच का प्रैक्टिस करके भी आ गए। और बहन लोग यहाँ खड़ी है, तो हाय तो बोलिए। जय जीसू। आज संडे है। हाँ, तो सब कुछ खत्म हो गया, जाने वाले। क्या खत्म हो गया रे? चर्च खत्म हो गया। हाँ, अभी गपशप चल रहा है, उसके बाद में जाएंगे। गपशप नहीं चल रहा है, बच्चे कैटेगरीज्म क्लास कर रहे हैं, तो बच्चों को साथ। हाँ, माँ लोग बच्चे जब तक आएंगे तब तक तो रहना है ना भाई। चलिए, और बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों से मिलते हैं हम लोग, है ना। तो गिरजा खत्म हो गए और हम लोग गप सप करते हुए और घर भी जाने की अब तैयारी करते हुए, मेरा वीडियो सारे लोग देखते हैं, तो आप सब उनको तहे दिल से थैंक यू, है ना। चलिए, हाँ, बने रही आज दिन भर। तो गिरजा से हम लोग आ गए हैं, है ना। और सर जी, नाश्ता हो गया और अभी चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा बाहर के नज़ारे भी मैं दिखा दूँ आप सबको। कल मैं साफ सफाई की हूँ और ये शो प्लांट यहाँ पे ऐसे रखी हूँ, अभी सजा हुआ नहीं है पूरा। उड़हुल मैं उधर धूप में ले गई और वो सब भी अब नीचे उतारना है। और इधर में जितना भी कम धूप वाले पौधे हैं सभी इधर में मैं रखी हूँ, और वो तो पूरा धूप वाला बरगद। मटन बन रहा है ना, जिस तरीके से कि बोले कि चर्च गए, चर्च से आ गए, और अगला सप्ताह हम लोगों का चालीसा आने वाला है, यानी कि 22 तारीख बुधवार से। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप लोग सावन में सावन व्रत करते हैं, उसी तरह से 40 दिन का हमारा भी ये सब, मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन
व्रत व्रत होता है, रखने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज हमें लगता है कि हमारा लास्ट बन रहा है ना, और अगर बच्चे कल में आ जाएंगे तो कल बनेगा, और वेडनेसडे के बाद बन गुड फ्राइडे तक, गुड फ्राइडे के बाद फिर ईस्टर मंडे से शुरू होगी। तो ये आज मटन दोपहर का सब्जी जो है, मटन चावल और क्या चटनी है, बस यही रहेगा। मटन के साथ दाल क्या खाना है क्या? और आप लोग सब क्या क्या बना रहे हैं बताइएगा। और साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ पकने के लिए। चल, ये मटन बन रहा था और ये मटन बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग, मेरा बी सी ड्यूटी है तो 2 बजे से जाना है, फटाफट खाने की तैयारी चल रहा है। हाँ, एक बार दिखला देते हैं आप सब उनको बैक कैमरे से, ठीक है। तो आज का दोपहर का खाना मटन, दाल वाल नहीं बना है क्योंकि झोर है, इसलिए इसी में काम हो जाएगा। हाँ, इसी का ग्रेवी और प्याज तो जो है उसमें हम लोग खाते हैं, और आप लोग भी खाइए, आइए, है ना। चलिए, और खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड ड्यूटी चले गए और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, फिर भी मैं आज का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, संडे का वीडियो है ना। और ये एक एनिवर्सरी वाली वीडियो है तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और आज संडे को क्या किया मैं की वो भी आज रात तक मैं अपलोड कर दूँगी। और फिलहाल मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, है ना। और वहाँ से आके मैं कल जो अपना बागवानी फुलवारी को साफ सफाई की थी तो थोड़ा दवा वगैरह भी छिड़कना है। तो चलिए फिर मैं दूध लेकर के आती हूँ, फिर आप लोगों से चाय के साथ मिलती हूँ, ठीक है ना। क्या जिस तरीके से कि मैं आप लोगों से बोली थी, दूध लेकर के आ गई हूँ और मैं चाय तो चढ़ा दी है ना, चाय को वो अपना बनता रहेगा। और जो दवा है, क्योंकि वो क्या बोलता है, रेड माइंड, ब्लैक माइंड, ग्रीन माइंड, उसी तरह का कुछ है, मैं दवा दे रही हूँ रोगोर प्लस, है ना, उसे मैं इसमें मिला ली हूँ और इसे अब छिड़काव करती हूँ। किस तरीके से, बैक कैमरे से आप लोगों को दिखलाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ भी रखे तो सेवा बहुत जरूरी है, बगैर सेवा का कुछ मेवा नहीं मिलता है भाई। कल मैं दिन भर काम की और थक गई, कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई, हिम्मत ही नहीं था कि मैं दिखला पाती। पीछे देखे पिटूनिया खिला हुआ है, डहलिया और एक कली ऊपर में दिख रहा है। हाँ, वो कल परसों तक में खिल जाएगा, है ना। बैक कैमरे से दिखलाती हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, ये गुलदौदी वगैरह में ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं छिड़काव कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो जो दवा थी उसकी छिड़काव मैं कर दी हूँ, सही था या नहीं, यदि कोई गार्डनिंग वाले लोग देखते हैं मुझे बताइएगा, है ना। और ये मैं और ये मेरी चाय, है ना। गुड मॉर्निंग। और आज नेक्स्ट डे हो गया और वादे के अनुसार कल मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई, बहुत रात में अपलोड की। और एक तो रह गया जो आज जाएगा, तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, कहीं घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं, बाय बाय।